बस्तर में शराबबंदी को लेकर अलग नियम होगा। माननीय भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में विधानसभा में घोषणा किए थे कि हम शराबबंदी कैसा किया जाए, ये सामाजिक बुराई है, इसको कम कैसे किया जाए, इस सारे प्रकार के विधानसभा के अंदर भूपेश बघेल ने खुला मंच से घोषणा किया था कि चुने हुए विधायक, हर दल का विधायक, चाहे जोगी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये कोई पर भी एक ही बहुजन समाज पार्टी का विधायक आवेदन दिया, मेंबर भी है, क्या नाम, केशव चंद्रा, और वो नाम तो दिया लेकिन आता नहीं। गुजरात के समय भी बोल के देखे, अभी भी बोले, हंस गया है कि नहीं बने पता नहीं, लेकिन जाता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी तो टीवी में, न्यूज में खाली वोट के नाम से नेतागिरी करते हैं। रायपुर में कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रदेश में लगातार रद्द हो रही ट्रेनों और कई घंटों की देरी से चल रही ट्रेनों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने ट्रेनों में बुजुर्गों को टिकटों में मिलने वाली रियायतों को खत्म कर दिया। उनका कहना है कि बीजेपी का कोई भी नेता इस पर नहीं बोलता। इसके साथ ही शुक्ला ने बीजेपी के बूथ अभियान को लेकर कहा कि बीजेपी जनता का विश्वास खो चुकी है, 15 साल की सत्ता की खुमारी बीजेपी के नेताओं के सिर से उतरी नहीं है, बीजेपी बूथ लेवल पर कुछ भी कर ले उसका कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी 15 मार्च को हितग्राहियों को पीएम आवास नहीं मिलने को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। इस सवाल पर कांग्रेस के संचार प्रमुख ने कहा कि उसका 85% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो लोगों को गुमराह करने में लगी है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जनता का भरोसा के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं का भी भरोसा खो चुकी है। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरीके से इस समय तानाशाह बन चुके हैं। 15 साल की सत्ता की खुमारी अभी उनके सर से उतरी नहीं है, 4 साल होने के बावजूद। तो मुझे नहीं लगता है कि बूथ लेवल पे उनको कार्यकर्ता मिलेंगे, उस बूथ सम्मेलन कर ले, कुछ कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 15 मार्च के विधानसभा